कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे हैं सर लिक्विड डिटर्जेंट के बारे में बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, तो मैं आज लिक्विड डिटर्जेंट की बात करूंगा। ये देखिए ऐसी बॉटल्स आपको मेरे यहाँ से मिल जाएंगी, ये देखिए स्टिकर्स, ये सब हमारे यहाँ डिजाइन हुए हैं। बॉटल्स देखिए कितनी अच्छी और प्यारी बॉटल है, और इसमें देखिए फ्लिप टॉप कैप भी, इसको इसको खोलेंगे और इसमें देखिए ढक्कन में आप लिक्विड को भी देखिए ऐसे पोर कर सकते हैं, और अपनी वॉशिंग मशीन चाहे बकेट चाहे आप जैसे भी कपड़ा धो सकते हैं। देखिए अच्छी क्वालिटी का लिक्विड डिटर्जेंट मेरे यहाँ से मिल जाएगा आपको, और इसमें काफ़ी अच्छी फोमिंग और क्लीनिंग है, जिद्दी से जिद्दी कपड़े आपके साफ कर देगा। महंगे कपड़े इसी से धोइए। वॉशिंग पाउडर में फिलर्स होते हैं, इसमें फिलर्स के तौर पे सिर्फ पानी डाला जाता है, तो इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि कपड़े ज़्यादा सेफ रहते हैं, अगर वॉशिंग मशीन में यूज़ करें तो बहुत ही बढ़िया रहते हैं। अच्छे घरों में ज़्यादातर लोग सब लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करते हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में लिक्विड डिटर्जेंट का बहुत चलन आने वाला है, क्योंकि फॉरेन में अगर आप देखेंगे वहाँ पे वॉशिंग पाउडर चलता ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लिक्विड डिटर्जेंट ही चलता है, क्योंकि लिक्विड डिटर्जेंट आप समझ लीजिए कि सेफ है, कपड़े को भी साफ करता है, अच्छी खुशबू देता है, झाग भी अच्छी देता है, वॉशिंग मशीन में चाहे यूज़ करो चाहे बकेट में यूज़ करो जल्दी घुलता है, पूरा घुलता है, नीचे कुछ बैठता नहीं है, कपड़ों में कोई भी दाग धब्बे नहीं छोड़ता है। लिक्विड डिटर्जेंट बेस्ट रहता है, हम अपने घर में भी लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करते हैं। आप अपने ब्रांड के हिसाब से लिक्विड डिटर्जेंट बनवा सकते हैं। देखिए ये भी हमारे एक क्लाइंट हैं, उन्हीं का ब्रांड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी डिजाइनिंग पूरी मेरे यहाँ से हो जाएगी, बॉटल्स मिल जाएगी। लिक्विड डिटर्जेंट आप काम शुरू करिए, मार्केट में भी लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए, बिकॉज फ्यूचर में लिक्विड डिटर्जेंट का बहुत रोल होने वाला है। लिक्विड डिटर्जेंट जो है आपकी देखिए हर घर की ये भी रिक्वायरमेंट है। अब ये तो समझ की बात है कि वॉशिंग पाउडर लोग मांगते हैं, थोड़ा सा ये हल्का सा बॉटल की वजह से एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन फिर मैं आपसे बोलूंगा क्लीनिंग भी ज़्यादा अच्छी करता है, लगेगा भी कम, रिस्पॉन्स भी ज़्यादा देगा, वॉशिंग पाउडर लगता भी ज़्यादा है क्योंकि उसमें मिट्टी भरी हुई है, पैकिंग में आप देखोगे आधे से ज़्यादा तो लोग उसमें फिलर डाल देते हैं। हम लोग इसमें कोशिश करते हैं लिक्विड डिटर्जेंट चाहे वॉशिंग पाउडर बनाए, अपने ब्रांड में बनाए, उसमें कोई भी फिलर ना हो, बिकॉज ब्रांड अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ ही मार्केट में बिकती है, सस्ती चीज़ लॉन्ग रन में नहीं चलती है, जो दिखता है वही बिकता है, जो क्वालिटी अच्छी होती है वही ज़्यादातर आगे मार्केट में रिपीट लाती है, वही बोलती है। मैं सभी अपने वेबिनार्स और सेमिनार्स में और अपने सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी यही बात बोलता हूँ कि देखिए जितना भी आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे लॉन्ग रन में आपको सारा देखिए घूम के यही आएगी क्वालिटी। सस्ता काम करेंगे, सस्ते के चक्कर में थोड़े दिन एक मार्केट में काम करेंगे, वहां पे फेल हो जाएंगे, दूसरे मार्केट में जाएंगे वहां फेल हो जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, ऐसे आप घूमते रहेंगे, अल्टीमेटली आप कोसेंगे इस काम को और काम बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश ही नहीं करी, आपने सोचा कि मैं सस्ती क्वालिटी जल्दी से ले जाऊं मार्केट में, कम दाम में जल्दी से बेच दूं, जल्दी से आसानी से रिजल्ट आ जाए। ब्रांड में देखिए समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, 6 से 8 महीने कम से कम आपको शिद्दत से मेहनत करनी है। अगर आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और अपनी क्वालिटी को दिखा पा रहे हैं, और ऐड भी देखिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, मैं कहता हूं भैया ऐड करो, लिक्विड चाहे डिटर्जेंट हो चाहे वॉशिंग पाउडर हो, शुरुआत में ऐड चाहिए। अगर ऐड अगर आप नहीं कर रहे हैं लोकल लेवल की ऐड करो, कोई टीवी ऐड नहीं चाहिए, कोई ऐसी ऐड नहीं चाहिए, आप लोकल लेवल की ऐड करो। ऐड का मतलब है बैनर पोस्टर लगा लो दुकानों के बाहर, अपनी बात तो लोगों को तक रखो। अपने वीडियो जैसे आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं झाग बनाता हूँ और सफाई करके दिखाता हूँ, वैसे ही वीडियोस बना लो, सिंपल है, ज़्यादा नहीं बोलना है, कैमरे के सामने मत भी आओ, कम से कम बकेट दिखा के उसमें तो कर लो, तो जिससे आपको फायदा होगा, और कंपेयर करके दिखाओ, दो ब्रांड्स को कंपेयर करके दिखाओ, सारा चीज़ कंपेयर से ही है। आप कोई मोबाइल खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, दोनों की फीचर्स को कंपेयर करते हो, फिर उसमें से देखते हो उस प्राइस रेंज में क्या बेस्ट है, वही आप बाय करते हो। वैसे ही वॉशिंग पाउडर में भी है, अगर आपके कस्टमर को ये बात समझ में आ जाएगी तो वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा, अगर आप सिर्फ उसको प्रोडक्ट दे दोगे और ये पूछोगे कि कैसा है तो वो आपको हो सकता है सही रिस्पॉन्स ना दे, बिकॉज वो हो सकता है किसी और प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज कर रहा हो, काफी दिन से यूज कर रहा है, तो वो उसी की तारीफ करेगा। ये अपना ह्यूमन का टेंडेंसी है, लोग ऐसे ही सोचते हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट ऐड से चेंज होगा, स्कीम से चेंज होगा, क्वालिटी से चेंज होगा, और आपके बातचीत आपकी प्रेजेंटेशन से चेंज होगा। मैं भी कोशिश करता हूँ आपको अपनी बातें प्रेजेंट करके अच्छे से दिखाऊं, क्वालिटी अच्छे से दिखाऊं, प्रोडक्ट अच्छे से दिखाऊं, तो आपको सब चीज़ें मेरे यहाँ से मिल जाएगी। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि डेली हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पर बात करते हैं, तो मेरी वीडियोज़ को स्किप मत किया करिए, पूरा एंड तक देखा करिए, आपके फायदे की बातें मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ अगर छूट जाएगा तो हो सकता है कि आप फिर उस चीज़ को बहुत अच्छे से आप मार्केट में प्रेजेंट ना कर पाओ, तो मैं आपसे ये कहूँगा पूरे वीडियोज़ को देखा करिए। लिक्विड डिटर्जेंट सीखना है, इसका फॉर्मुलेशन चाहिए, बनाना सीखना है, या बना हुआ प्रोडक्ट भी चाहिए,
बॉटल चाहिए, कुछ भी चाहिए लिक्विड डिटर्जेंट से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करिए, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, फिर नए वीडियो बनाने की भी एनर्जी आती है। तो फट से कमेंट किया करिए, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आता है, दूसरों को भी आप इनकरेज कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। बिकॉज मेरे कई ऐसे भाई हैं, मैंने देखा है कि वो वीडियोस तो बहुत देख रहे हैं, काम तो उनको करना है लेकिन वो करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, छोटा फाइनेंस लेके बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा हर काम छोटे फाइनेंस से भी हो जाता है, ये 10,000-15,000 से ये आइटम स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा सर छोटा फाइनेंस से भी काम हो जाएगा, इसके लिए ऐसा नहीं बड़ी मशीन चाहिए, बड़ा सेटअप चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। आपका भाई बैठा है, ये सब भाई ने आपके लगा रखा है, आप स्टार्ट करिए, एक बार काम शुरू करिए, जब आपका काम बढ़ जाएगा, आपका काम ग्रो होगा, तब आपका भी बड़ा सेटअप आपका भाई लगवा देगा। मैं आपसे ये कहूँगा, यही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, हैंड वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, बोतल वाले जितने भी आइटम हैं 10,000 से 15,000 में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, मिनिमम एक क्वांटिटी में आपको खरीदने होंगे। छोटे से उससे स्टार्ट करिए, गांव गांव घर घर बैठ के इसको बेचिए, घर घर में इसकी डिमांड है, गांव गांव में आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। छोटी सी मेरी बात है, हिम्मत जुटाइए, आगे बढ़िए। मैं कोशिश करता हूँ आपको मोटिवेट करूँ ताकि आप आगे बढ़ें। बिकॉज देखिए काम सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि सही तरीके से सही काम, लोगों का साथ, मेहनत, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। एक बड़ा व्यापार खड़ा करना है, एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, आपके साथ मिलके मुझे एक बड़ा अपना सर्कल बनाना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक चीज़ आपकी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे को ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली मैं वीडियोस लेके आऊँगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए मेरी बात। जिनको भी काम शुरू करना है वो इसको शुरू करिए, या और भी आइटम्स है क्लीनिंग के, घर बैठे व्यापार शुरू करिए, बातचीत करिए। मैं आपको बहुत सारे आपको काम करने की योजना बता सकता हूँ, बहुत सारा आपको ज्ञान दे सकता हूँ, क्या क्या लाइसेंस लगने हैं, क्या क्या केमिकल्स लगने हैं, कैसे शुरू होगा, कैसे इसको बेचना है, क्या इसकी प्राइस बननी है, कौन से मशीन सही हैं, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे यहाँ से। बस हिम्मत जुटाइए, फ़ोन उठाइए और कॉल करिए। जब तक फ़ोन नहीं उठाएंगे तब तक आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, और मैं ऐसे ही आपके सामने आता रहूँगा, आप ऐसे ही प्यार से मेरा वीडियो देखते रहेंगे और मैं आपके साथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप भी थोड़ा सा स्टेप अप करिए। मेरे को पता है, मैं इसलिए मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, देखो देखो जो काम को सोच रहे हैं और अभी तक कर नहीं पाए, इसीलिए मुझे पता है, मैं बस मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है, उनको बस थोड़ा सा पुश करना है, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। आज मैं आपको वो हिम्मत दे रहा हूँ कि उठिए, चलिए, काम शुरू करिए, कम बजट से करिए, डरिए मत। क्योंकि देखिए जब तक छोटा सा रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तब तक कुछ नहीं होगा, रिस्क है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे तो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर वहीं की वहीं हमारी परिस्थिति रहेगी, आगे चेंज नहीं आएगी। हर एक बंदा रिस्क लेता है, हमने भी रिस्क लिए हैं कई बार, हम अभी भी लाइफ में रिस्क लेते हैं। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि देखो रिस्क लेना बुरा नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़रूरी है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क उतना ही लीजिए कि जितने में आपका सब कुछ नहीं खत्म हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्क लिया, किसी चीज़ आपकी चली तो बहुत अच्छा, नहीं चली तो नुकसान इतना नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल ही आपको बर्बाद कर दे। हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि रिस्क उतना ही लेते हैं कि जिसमें हमारी सारी चीज़ ख़त्म ना हो जाए, हम चीज़ों को झेल पाएँ और आगे भी बढ़ें। क्योंकि देखिए कई बार एक्सपीरियंसेस किसी चीज़ के अच्छे होते हैं, किसी चीज़ के ख़राब होते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छा बनाइए और हमारे साथ जुड़िए। हम कोशिश यही करेंगे कि आपकी सब बातों को ध्यान रखें और आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अच्छी दें, आपको सेल्स का नॉलेज दें, आपको बनार में बेचने का पूरा ज्ञान दें, ताकि आप भी प्रोडक्ट को अच्छा बना पाएँ और बेच भी पाएँ। बेचना बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं ना, सिर्फ बनाने का नॉलेज दे रहे हैं, बेचने का नहीं दे रहे हैं। मैं दोनों नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, बनाने के भी, बेचने की भी। जो अच्छी चीज़ दिखती है, सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन की बात है, अपना बेचने का तरीका, आपके बेचने का प्रेजेंटेशन, आपके बेचने की सेल्स की पिच बहुत ज़रूरी है। सेल्स पिच का मतलब है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए मार्केट में जाके, आपका सेल्स का पिच क्या होनी चाहिए। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, तो ये सब बातें भी मैं बताता हूँ। देखो मैं छोटी सी बात को शुरू किया था और कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, लिक्विड डिटर्जेंट चाहिए तो कॉल करिए, इसके अलावा भी कुछ भी आइटम चाहिए तो कॉल करिए, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सब कुछ मिलेगा आपके भाई के पास। हाइट्रा इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 60 ईयर्स पुरानी कंपनी है, कानपुर में वन एंड ओनली इतनी पुरानी कंपनी है। और सब अभी नए नए शुरू जो लोग हुए हैं ना सर,
वो आपको सिखा तो रहे हैं, ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं आ पा रही है, वो प्रोडक्ट की में क्वालिटी नहीं आ पा रही है, वो सेल्स में दम नहीं है, वो जो चाहिए ना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वो नहीं बन पा रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हमसे जुड़िए, ये सारी समस्याएं मैं आपकी दूर कर दूंगा। मेरे पास लोग आते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उसी हिसाब से मैं आपसे बात करता हूँ। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई बात नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि आपका काम अच्छा हो, आप सीखें, आप आगे बढ़ जाएं और फंसे ना इधर उधर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अच्छा लगा तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ऐसे ही मैं आपसे मिलता रहूँगा रोज। हैव अ गुड डे।